हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के द्वारा यूकेटेट यानी यूटेट फर्स्ट और यूटेट सेकंड के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आज उसी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यूटेट फर्स्ट के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसमें बाल विकास एंड पैडागोजी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी शॉर्ट में CDP से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो 30 रहेंगे और 30 मार्क्स के रहेंगे। वहीं प्रथम भाषा यानी फर्स्ट लैंग्वेज से आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। द्वितीय भाषा सेकेंड लैंग्वेज से भी आपके सेम क्वेश्चन सेम मार्क्स के रहेंगे। मैथमेटिक्स से भी आपके सेम क्वेश्चन सेम मार्क्स के रहेंगे। और पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ या इन्वायरमेंटल साइंस से भी आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 150 रहेंगे और 150 मार्क्स के रहेंगे। बात कर रहे थे यूटेट सेकंड के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसमें आपके बाल विकास में पैडागोजी से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे और प्रथम भाषा से आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे और द्वितीय भाषा से भी सेम क्वेश्चन सेम मार्क्स के रहेंगे। वहीं इसमें मैथमेटिक्स और साइंस के टीचर्स के लिए 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे और जो सोशल स्टडीज़ के जो टीचर्स हैं उनके लिए भी 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स करेंगे। तो ये तो था यूटेट फर्स्ट और सेकंड के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिटेल्स। क्योंकि इसको एग्ज़ाम सिलेबस से पहले समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि एग्ज़ाम सिलेबस को समझने के लिए एक अच्छा वे मिल सके। तो चलिए अब एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिलेबस हमने डिपार्टमेंट के द्वारा कराए गए 2019 से 2021 तक के जो एग्ज़ाम कराए गए या यूटेट फर्स्ट और सेकंड के उसके एवरी सब्जेक्ट को एनालिसिस करने के बाद ही और साथ ही एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट फैक्ट को एनालिसिस करने के बाद ही हमने इस सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है। क्या है ये सिलेबस आपके यूटेट के एग्ज़ाम के हिसाब से तो बिल्कुल फिट है ही, साथ ही आपके CTET एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए सब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं जनरल लैंग्वेज के बारे में कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे। तो इसमें आपको पैसिव रहेगा, पैसिव से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वहीं पोएम जस्ट लाइक ए पैसेज, इसमें से भी आपको क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम आउट करना है, इसमें भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये दोनों चीज़ें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो लैंग्वेज में रहती है। उसके बाद प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, मॉडल है, नॉन फिनिट्स है और सिनोनिम्स हैं, एंटोनियम्स हैं एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, एक्टिव पैसिव वॉइस है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि जो हम जनरल सेंटेंस यानी कि प्रजेंट पास्ट फ्यूचर प्रजेंट परफेक्ट का के तो हम इसमें चेंजिंग करते ही है, लेकिन इसके अलावा भी जो जैसे इम्पेरेटिव एक्सक्लामेटरी ऑप्टेटिव दियर एंड इट और मॉडल्स इनका भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज करके देंगे क्योंकि मोस्टली एग्जाम में इन्हीं के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फेरेजिस हैं, आपका स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, कॉमन एरर्स हैं एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंस है। और देखिए जो आपका कॉमन एरर्स होती है वो बेसिकली आर्टिकल्स को लेकर वो उसके पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर होती है जिसमें आपका नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन तो इनको लेकर आपका कॉमन एरर्स होती है। लेकिन जो करेक्शन ऑफ सेंटेंस होता है वो पूरा बेसिकली सेंटेंस में डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका प्रेजेंट में पास्ट की फॉर्म दे दी हो तो इस प्रकार से वो करेक्शन ऑफ सेंटेंस पर डिपेंड करता है। अब अगर इसमें रिओर्डिंग की बात की जाए तो रिओर्डिंग से आपको वर्ड की रिओर्डिंग भी करनी पड़ सकती है जिसमें आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में बदलना पड़ सकता है। सेंटेंस की भी रिओर्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें आपको मीनिंगफुल पैराग्राफ में बदलना पड़ सकता है। वहीं फेरेजिस की भी आपकी रिओर्डिंग करनी पड़ सकती है। यानी कि इसमें जरूरी नहीं कि सेंटेंस की रिओर्डिंग आएगी या वर्ड की रिओर्डिंग आएगी या फिर फेरेजिस की रिओर्डिंग आएगी, तो इनमें से किसी की भी रिओर्डिंग आ सकती है जिसे आपको या तो मीनिंगफुल सेंटेंस में बदलना होगा या मीनिंगफुल पैराग्राफ में बदलना होगा। अब बात कर लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच की। जब हम एग्ज़ाम को एनालिसिस कर रहे थे तो एक दो क्वेश्चन हमें लगा कि फिगर ऑफ स्पीच के उसमें देखने को मिले। फिगर ऑफ स्पीच जर्नली इसको हिंदी में हम अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा समझ लेते हैं। लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, देखो इसमें लाइफ और ड्रीम का जो कंपेरिजन करने के लिए लाइक वर्ड दिया हुआ है। तो जो इसमें हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वह सिमाइली यानी कि रूपक अलंकार, सॉरी इसमें है उपमा अलंकार, ये जो सिमाइली को हम बोलते हैं उपमा अलंकार। अगला जो दिया हुआ है लाइफ इज़ ए ड्रीम, इसमें देखिए इसमें आप देख रहे हो कि इसमें उसमें वर्ड दिया था कंपेरिजन करने के लिए, तो उसमें कंपेयर करने के लिए कोई वर्ड नहीं है, तो उसमें मेटाफोर यानी कि रूपक अलंकार, यानी कि जो फर्स्ट वाले में उपमा अलंकार और सेकंड वाले में रूपक अलंकार। तो ये कुछ इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल था।
अब आगे बात कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की। जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता है, जनरली हम अफर्मेटिव से निगेटिव, तो ये चेंजिंग हम करते रहते हैं, और अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव, तो इस प्रकार के चेंजिंग के अलावा भी, जैसे सेंटेंस का बिना मीनिंग बदले उसे चेंज करना, इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं एग्जाम में। जैसे ईविल इज इमोर्टल, अभी मैं अगर मैं ट्रांसलेशन पर ना जाऊँ इसकी हिंदी में, तो इसे हम कह सकते हैं कि शैतान अनैतिक होता है या शैतान अनैतिक है, और इसे इस तरह भी लिख सकते हैं ईविल इज़ नॉट मॉर्टल, यानी कि शैतान नैतिक नहीं होता, शैतान नैतिक नहीं है। तो दोनों ही जो सेंटेंस है, दोनों के सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं है, मीनिंग में इसके कोई परिवर्तन नहीं है, और ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया है। देखिए, जैसे जो इमोर्टल है, ठीक है, और जो नॉट मॉर्टल है, इमोर्टल जो है वो मॉर्टल का क्या है, अपोजिट वर्ड है, और इमोर्टल वहाँ पर दिया हुआ है, तो हमने नॉट मॉर्टल आकर इसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, और सेंटेंस का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। तो इस प्रकार से आपको कुछ टॉपिक्स देख लेने हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन टैग की। देखिए, क्वेश्चन टैग में भी एक दो क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, और ये वैसे कुछ अलग से टॉपिक्स भी हमें अपने प्रिपेयर कर लेने हैं, ताकि हमारी जो नॉलेज है वो और एनहेंस हो सके, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ सके। इसमें देखिए, एग्जाम्पल में दिया हुआ है यू विल हेल्प मी वॉन्ट यू, तो जो वॉन्ट है वो किसका टैग है, तो इस प्रकार से वॉन्ट, अब आप सोचोगे कि वॉन्ट किसका टैग है, तो ये आपको याद रखना है। तो सभी के टैग्स होते हैं, तो वॉन्ट जो है वो विल नॉट का टैग्स है, तो ये आपको याद रखना है कि वॉन्ट जो है वो विल नॉट का टैग्स है। और इसी प्रकार से आपको शैल नॉट के, हैव नॉट के, ये सभी के टैग्स मिल जाएंगे, आप देख लेना इस टैग्स के बारे में। उसके बाद है फिलिंग अप ऑफ ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स, तो ये तो ये जो वाला टॉपिक्स है, ये तो आप अगर आपने बाकी सारी चीज़ें इजीली कवर की हुई है, तो ये टॉपिक इजीली हो जाएगा, इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं जनरल हिंदी के बारे में। जनरल हिंदी में आपको गद्यांश और पद्यांश से क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि आपको क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम आउट करना है। वहीं वर्णमाला से आपको स्वर और व्यंजन के टाइप्स, जैसे आपको हो गया कंठ है, ओष्ठ है, मूर्ध है, ठीक है, तालव्य है, और ऊष्म संघर्षी, तो इस प्रकार के जो स्वर और व्यंजन के टाइप्स हैं उनको देख लेने हैं वर्णमाला से। उसके बाद है वर्तनी संधि, संधि में संधि के टाइप, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और स्वर संधि में जैसे अयादि संधि, यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, तो ये सारे टाइप्स देख लेने हैं आपको, और उनको स्टडी कर लेना है, उसके एग्जाम्पल्स और उनकी छोटी छोटी ट्रिक्स। उसके बाद है उपसर्ग और प्रत्यय, समास से समास के टाइप्स देख लेने हैं, जैसे इसमें आपका द्विगु और बहुव्रीहि समास में डिफरेंस देख लेना, उनकी सिमिलरिटीज देख लेनी है, और द्विंद समास, ये कुछ समास इंपॉर्टेंट्स हैं, और बाकी सभी आपको समास देखनी है, उनको अच्छे से पढ़ लेना है। तत्सम एवं तद्भव शब्द है, पर्यायवाची है, अनेकार्थी, विलोम शब्द है, मुहावरे है, लोकोक्तियाँ हैं, रस है, छंद है, अलंकार है, वाक्य विद, वाक्य शुद्धि है, विराम चिन्ह से भी आपको के दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो काव्य है और काव्य दोष है, रचना एवं रचनाकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बाकी आपको ये सभी सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करने हैं, और इससे आपकी हिंदी की नॉलेज भी और अच्छी एनहेंस हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज पैडागोजी की, बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए, जो दोनों भाषाएं हैं वो ग्रामर बेस्ड है, और ग्रामेटिकल पोर्शन पर आधारित होती है, तो दोनों लैंग्वेज की पैडागोजी अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट है वो टीचिंग मेथड, और फिर आपका प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, लर्निंग एंड एक्विजिशन, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट्स एज ए टूल। आप इसका ट्रांसलेशन देख लें, इजीली आप समझ सकते हो, इसमें कोई इतना बड़ा ट्रांसलेशन का वो नहीं है। आगे एक क्रिटिकल परस्पेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म, चैलेंजिंग ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स, तो ये देख लेना कि जो हमारी लैंग्वेज होती है उसमें क्या डिफिकल्टीज है, एरर्स है, डिसऑर्डर्स है, और टीचिंग मेथड क्या 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 होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग क्या है, लर्निंग एक्विजिशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, ठीक है, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, एंड लैंग्वेज स्किल क्या है, ठीक है, इवोल्यूटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रोफिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक्स, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम, रिमेडियल टीचिंग में देख लेना, इसको वैसे उपचारात्मक टीचिंग बोलते हैं, सुधारात्मक टीचिंग, जैसे आपके टीचिंग के जो प्रॉब्लम्स है, टीचिंग की प्रॉब्लम्स है उसको कैसे दूर करें, ठीक है, तो ये सारे के सारे डिफिकल्टीज क्या, लैंग्वेज डिफिकल्टीज उसको कैसे आपको सुधार करना है उसमें, ठीक है, और तो ये सारे के सारा है इसमें रिमेडियल टीचिंग में, तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से आप में आपको फ्रैक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन, एवरेज एंड रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, एलजेब्रिक फार्मूला एंड फैक्टर। देखिए, जो एलजेब्रिक फार्मूला एंड फैक्टर है, जिसमें आप जनरली a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये वाले जो फॉर्मूले हैं एक्चुअली इसमें थोड़ा सा आपका डीप आ जाता है क्वेश्चन, तो वो थोड़ा आप डीप पढ़ लेना,
एलसीएम एंड एचसीएफसी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इंडिसेज जिसे हम घातांक कहते हैं, घातांक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नंबर सिस्टम है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूला, एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ये सब स्टडी कर लेना है। स्टेटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में से आपको माध्य, बहुलक और समांतर माध्य से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एरियोप्लेन फिगर में आपको करनी है प्रैक्टिस ट्राइंगल की, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, सर्किल, सेक्टर एंड सेगमेंट। सेक्टर और सेगमेंट को आप देख लेना, इनमें अच्छे से देख लेना इनको, कोई एक में शायद एक दो पॉइंट में, एक पॉइंट को लेकर सिमिलरिटीज इसमें होती है। क्यों, तो मेंसुरेशन में से आपका क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर ये आप देख लेना। मेंसुरेशन में इसका आपका टोटल सरफेस एरिया ये जितने भी है, और वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें आप इसमें कवर कर लेना। ज्योमेट्री में आपका ट्राइंगल है, ज्योमेट्री में ट्राइंगल से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, समरूपता से रिलेटेड या उनके कुछ जो थ्योरम होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एज रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एक आध देखने को मिल जाएगा। मिक्सचर से क्वेश्चन, शेयर, पार्टनरशिप एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, सर्किल ग्राफ। देखो शेयर और पार्टनरशिप के क्वेश्चन से इससे भी एक या दो, इस टॉपिक से भी एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आपको प्रिपरेशन तो सारे ही करना है। पार्टनरशिप में आपको पता ही है क्या होता है कि कोई भी नंबर्स आपको रेशो में दिए होते हैं और कोई एक नंबर होता है उसको आपको शेयर करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इक्वली। और डाटा इंटरप्रिटेशन में आपका एक सर्किल होता है, एक सर्किल दिया होता है, तो ये कर लेना है। डाटा इंटरप्रिटेशन का काफ़ी एक अच्छा चैप्टर है पढ़ने के लिए, तो अभी यहाँ पे तो सारा इतना डिस्कस नहीं किया जा सकता कैसे कैसे उसमें क्या क्या होता है, तो ये इजीली आप बुक्स में देख लोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण से देख लेना, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता से कुछ देख लेना क्वेश्चंस। उसके बाद है मैथ पैडागोजी, तो मैथ पैडागोजी से आपका नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, एरर्स एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द लर्निंग एंड टीचिंग, पैलेस ऑफ द मैथमेटिक्स इन द कैरिकुलम, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, इवोल्यूशन मेथड, कम्युनिकेटिंग ऑफ द मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज ऑफ द मैथमेटिक्स। तो ये इसकी मैथमेटिक्स की पैडागोजी थी। उसके बाद बात करें जनरल साइंस की, जनरल साइंस को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स की, फिजिक्स में आपका मोशन है, फोर्स एंड मोशन लॉ है, वर्क एंड एनर्जी है, लाइट में आप, लाइट है आपसे, लाइट से आपके रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, फ्यूल है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, हीट है। तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और ये जनरली टॉपिक्स आपको 9th से 10th की बुक्स में मिल जाएंगे। उसके बाद बात है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में आपको मैटर में आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एसिड, बेस एंड साल्ट, ये से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। केमिकल रिएक्शंस होगी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये कुछ इसमें टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, ये भी देखना। ये भी आपको 9th से 10th की बुक्स में इजिली अवेलेबल है और वहाँ से आपको मिल जाएंगे। बायोलॉजी में अगर बात की जाए तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, टीसूज है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपका जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, हार्ट हो गया, इटीसी ये देख लेना। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, प्लांट है, ठीक है, प्लांट के पार्ट्स, ठीक है, ये सारा तरह इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपको 9th से 10th की बुक्स में इजीली मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इनको स्टडी कर लीजिए। तो ये तो था साइंस का सिलेबस। उसके बाद बात कर लेते हैं साइंस पैडागोजी की, इसमें आपका साइंस पैडागोजी में आपका नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस है, टेक्स्ट मटेरियल एंड एड्स है, अंडरस्टैंडिंग द साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोलर सिस्टम, नेचुरल साइंस, इवोल्यूशन एंड इनोवेशन है, मेथड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग है, रिमेडियल टीचिंग तो आपको सही में देखनी है अच्छे से। उसके बाद है सोशल साइंस को भी हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पूरी स्टडी करनी है, जिसमें आपका फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और सारी जो भी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट्स है वो सब, आर्टिकल्स हो गया आपका, ये शेड्यूल हो गया, ये सारी चीज़ें आपको स्टडी कर लेनी है, मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ना है। इसमें देखो अगर सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स कहाँ से ले गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ले गए, ये चीज़ें जैसे, उसके बाद आपको पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़नी है, आपके जो मूल अधिकार है उसके बारे में आपको स्टडी करना है, जैसे आपका शिक्षा का अधिकार है, राइट ऑफ एजुकेशन, वो किस में, राइट ऑफ फ्रीडम में, तो और कौन से आपके आर्टिकल में, आर्टिकल 21 में, तो इस तरह से आपको उसका बेसिक आइडियाज़ ले लेना है वहाँ से। उसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, फंडामेंटल राइट्स हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपका नैतिक कर्तव्य आते हैं, और फंडामेंटल राइट्स में आपके मूल अधिकार आते हैं। तो ये आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप देखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फंडामेंटल राइट जो मैंने भी बताया कि इसमें आपके मूल अधिकार आते हैं, जो आपका राइट ऑफ एजुकेशन है वो राइट ऑफ फ्रीडम के अंतर्गत आता है, जो आर्टिकल 21 ए में आता है, तो ये देख लेना आपको। उसके बाद है इंपॉर्टेंट पार्ट्स यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स होते हैं उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखने, ये
उसके बाद है आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने हैं, शेड्यूल्स देख लेनी है। अच्छा, स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए, संशोधन हुए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसी को देखना है। वैसे तो संशोधन काफ़ी सारे हुए हैं, तो जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है उन्हीं को देखना है। द रिट्स हैं, द सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या होती है, वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीज़ उसको देख लें। द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है और उनका वर्किंग क्या है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर का वर्क पावर, ठीक है। और कमीशंस देख लें, जैसे फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, तो ये कमीशन देख लेने हैं। नीति आयोग, ठीक है, पंचायती राज, ठीक है। पार्लियामेंट्री टर्म्स देख लेने, पार्लियामेंट्री टर्म्स में उसका वर्क स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। बात करते हैं जियोग्राफी की, जियोग्राफी में आपका प्लांट्स एंड सैटेलाइट्स है, अर्थ गैलेक्सी में है आपका माउंट एवरेस्ट है, ओशन एंड ओशियन ऑन द अर्थ है, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो आपको अक्षांश रेखाएं होती है उसके बारे में स्टडी करना है। एटमॉस्फेयर में आपको एटमॉस्फेयर लेयर के बारे में स्टडी करना है, जैसे आयन मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, इनके बारे में स्टडी करना है। विंड है, क्लाउड्स एंड रेनफॉल है, इसलैंड्स है, ठीक है, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज है, ठीक है। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में आपको एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स है, मेजर इंडस्ट्रीज है, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट्स है, रिवर एंड डैम प्रोजेक्ट है, पावर रिसोर्स ऑफ इंडिया है। ट्रांसपोर्ट में आपका रिवर एंड रोड है, उसके बाद है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स है, फिर है मैप लाइंस है, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपका संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, ओपेक हो गया, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो इस प्रकार के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में स्टडी कर लेना है। अब बात है हिस्ट्री की, हिस्ट्री को भी हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसमें एक है एंशिएंट इंडिया, एक है मेडिविल इंडिया और एक है मॉडर्न इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया से आपको हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंदू सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बारे में स्टडी करना है। उनका जो भी उस टाइम उनका जो भी क्या उसका उस टाइम कल्चर था और क्या जो भी उनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वे सारे स्टडी करने हैं। उसके बाद है रिलीजियस मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट में आपको जनरली उस टाइम बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का ही काफ़ी प्रभाव रहा है, तो उन्हीं के बारे में स्टडी करना है। उसके बाद है मौर्य पीरियड एंड गुप्त पीरियड, आपको इसमें याद रखना है कि जो मौर्य पीरियड है वो BC के पहले का है, BC वाली कंडीशन का है, और गुप्ता पीरियड आपका ईस्वी बाद का है, तो ये ध्यान रखना है कि ईस्वी पूर्व के कौन है और ईस्वी बाद का कौन है, तो ये पीरियड याद रखना है। और मौर्य पीरियड में भी आपको क्या करना है, इनका जो मौर्य पीरियड है उसके इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में पढ़ना है, और उसमें आपका उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी सोसाइटी और उनका कल्चर क्या था, ये तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट सकती है, तो इन चीज़ के बारे में स्टडी कर लेनी है। संगम पीरियड और वर्धन डायनेस्टीज के बारे में इतना ज़्यादा आपको बेसिकली थोड़ा थोड़ा मतलब मोटे मोटे तौर पर इसका पढ़ लेना, ज़्यादा डीपली पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है मेडिवल इंडिया में आपका सल्तनत पीरियड है, दिल्ली सल्तनत है, मुगल पीरियड है, मुगल पीरियड इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। मराठा पीरियड है, साउथ इंडिया से आपका चोल्स एंड अदर, जो ये छोटी मोटी चीज़ें ये बेसिक्स है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ना है। रिलीजियस मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेना है। बात की जाए मॉडर्न इंडिया की, तो मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिश पीरियड के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें गवर्नर हो गया, गवर्नर जनरल एंड वाइसराय, इनके बारे में आपको स्टडी करना है, और किसने क्या क्या वर्क किए और किस किस के टाइम में कौन कौन सी बातें हुई जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1857, ठीक है, उसके क्या रीज़न थे, ठीक है, ये आपको स्टडी करना है, और बाद में उसका क्या इम्पैक्ट रहा। उसके बाद है गांधी के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे गांधी जी थे तब कौन कौन से आंदोलन हुए, जैसे चोरा चोरी कांड हो गया, ठीक है, असहयोग आंदोलन हो गया, दांडी यात्रा होगी, तो इस प्रकार के जो भी गांधी इरा से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको स्टडी कर लेना है। अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको जैसे इंपॉर्टेंट डेट एंड पैलेस, ठीक है, कमिटीज़ एंड कमीशंस के बारे में स्टडी करना है, कमीशन कौन कौन से होता है, इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में, युद्ध जैसे प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, ये सारे जो भी बैटल्स है। रिफॉर्म एक्ट के बारे में आपको स्टडी करना है, सती प्रथा का अंत रिफॉर्म एक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी, ये पॉलिसी के बारे में आप जरूर स्टडी कर लेना, कौन कौन सी पॉलिसी अभी बनाई गई, जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई थी, तो नई शिक्षा नीति के बारे में आपको स्टडी करना है, उसमें क्या प्रावधान किए गए, तो उस पॉलिसी में कौन कौन सी नई चीज़ें और उसका क्या बेनिफिट होगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको स्टडी कर लेनी। उसके बाद आपको और भी स्टडी करना है, उसमें क्या स्टैटिक जीके ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की जो स्टैटिक जीके है उसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जियोग्राफी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में स्टडी कर लेना है। तो ये तो था सोशल साइंस का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं इसकी पेडागोजी के बारे में। इसकी पेडागोजी है कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ द सोशल स्टडीज़, क्लासरूम प्रोसेस एक्टिविटीज़ एंड डिस्कवर्स है, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज़ है, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, इसमें टीचिंग एड्स है, प्रोजेक्ट वर्क एंड इवोल्यूशन है। उसके बाद बात कर लेते हैं इन्वायरमेंटल साइंस की। इन्वायरमेंटल साइंस में देखो काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें इन्वायरमेंटल साइंस की जब बात की जाती है तो लगभग सभी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। इसमें आपको मोस्टली जियोग्राफी के टॉपिक देखने को मिलेंगे, साइंस के टॉपिक देखने को मिलेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे।
तो इसमें जैसे पहला इकोसिस्टम है, सराउंडिंग थिंग्स है, क्लाइमेट्स है, वाटर है, एयर है, पोल्यूशन में आपका एयर वाटर साउंड है, न्यूक्लियर पोल्यूशन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट है, डिजर्ट है, फ्लोरा एंड फाउना है, मैटर एंड एनर्जी है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स है, व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, हेल्थ एंड डिसीजेज है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, फ्यूल है, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन है, और हाइजीन है, इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी है, प्लांट्स एंड एनिमल है, और डिजास्टर मैनेजमेंट है, फर्स्ट एड है, थिंग्स वी मेक डू, द वर्ल्ड लिविंग थिंग्स, सोलर एनर्जी है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट है ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिवर एंड डैम प्रोजेक्ट है, अर्थ एंड एटमोसफियर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेचुरल पार्क है, पार्क्स है। तो आप इस वीडियो को पोस्ट करके ये सारे के सारे टॉपिक्स आप नोट डाउन भी कर सकते हो, साथ ही इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद है ईवीएस पेडागोजी की, अगर इसके पेडागोजी की बात की जाए तो उसमें स्कोप एंड रिलेशनशिप टू साइंस एंड सोशोलॉजी, देखो यहीं पे आ गया, स्कोप एंड रिलेशनशिप टू साइंस एंड सोशोलॉजी, साइंस सोशल साइंस। फिर है बेसिक नॉलेज ऑफ द इन्वायरमेंट एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट एंड स्कोप, द सिग्निफिकेंस ऑफ द इन्वायरमेंट स्टडीज, इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रिंसिपल्स, अप्रोच टू द प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये तो थी इसकी पेडागोजी। अब बात कर लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो मेन सिलेबस है, इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ द हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स एंड पीयर्स, ठीक है, पियाजे, कोवलबर्ग एंड वाइगोस्टिस्की, इसकी थ्योरीज हैं, इसको इसके बारे में आपको पढ़ लें, थ्योरी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आपको स्टडी करनी है। इसमें आपका कंस्ट्रक्शन है, क्रिटिकल एंड परस्पेक्टिव है, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंट्रल एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, क्रिटिकल परस्पेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ द इंटेलिजेंसी है, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंसी है, लैंग्वेज एंड थॉट्स है। उसके बाद आपको जेंडर, जैसे सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल, जेंडर बाइस एंड द एजुकेशनल प्रैक्टिस, इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटीज ऑफ द लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी एंड रिलीजन, इट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द असेसमेंट फॉर द लर्निंग एंड द असेसमेंट ऑफ द लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड, ठीक है, कंटिन्यूस एंड द कम्प्रीहेंसिव इवोल्यूशन, ये है आपका प्रस्पेक्टिव एंड प्रैक्टिस है, फॉर्मुलेटिंग एंड अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर एसेसिंग है, ठीक है, रेडीनेस है, लेवल्स ऑफ द लर्नर्स है, फॉर एनहेंसिंग द लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड इनिट्स द क्लासरूम एंड फॉर द एसेसिंग लर्नर अचीवमेंट है, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ द लर्निंग इन द चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रंस एरर्स ऑफ द सिग्निफिकेंट स्टेप इन द फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द लर्निंग पर्सनल एंड इन्वायरमेंट। ये सारा इसका सिलेबस है और मैंने काफ़ी इसको जल्दी पढ़ दिया और इसकी जल्दी रीडिंग हो गई है। इसका ट्रांसलेशन ईजी है, आप इजी लैंग्वेज में इजीली इसको समझ सकते हो और अब इतना बड़ा डिस्कस करने की तो आवश्यकता है नहीं। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको पोस्ट करके वीडियो को नोट डाउन कर लेना, देख लेना। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम लेवल की। तो एग्जाम लेवल क्या रहेगा, तो यूटेट फर्स्ट का जो एग्जाम लेवल रहेगा वो इजी टू मॉडरेट रहेगा, यानी कि 75% जो क्वेश्चन होंगे वो इजी टू मॉडरेट कंडीशन में होंगे, हार्ड जो होंगे वो 25 होंगे, और हार्ड भी आपके लो से मीडियम होंगे, वेरी हाई नहीं होंगे। तो ये इसका कुछ एग्जाम लेवल रहेगा। यूटेट सेकंड में थोड़ी हार्डनेस बढ़ जाती है, तो जो इजी टू मॉडरेट कंडीशन है वो 70%, यानी कि 70% क्वेश्चन आपके इजी टू मॉडरेट रहेंगे, हार्ड क्वेश्चन आपके 30% रहेंगे, और वो भी लो से मीडियम वाली कंडीशन में रहेंगे, हाई वाली कंडीशन में नहीं रहेंगे। तो ये थी इस वीडियो में कुछ बेसिक सी जानकारी यूटेट के रिगार्डिंग। आई होप इस वीडियो से आपको यूटेट के रिगार्डिंग एक अच्छी जानकारी मिल गई होगी, उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, एग्जाम लेवल के बारे में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, आई होप यू विल बी सिलेक्टेड। थैंक यू।